जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी की लाइट टैंक्स की जरूरत को पूरा करने के लिए एलएनटी साउथ कोरियन कंपनी के साथ संयुक्त रूप से प्रोड्यूस कर सकती है लाइट टैंक। भारत की डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट पर लगाया बैन। रशिया का कहना है कि वो भारत और चीन के सीमा विवाद पर नहीं करेगा मध्यस्थता। इंडियन मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करने वाला हैकर ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है अब एक नए तरह का मालवेयर। और कच्छ में हरामी नाला वाले एरिया से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ने का ऑपरेशन है जारी। Jains.com की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत के लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनटी कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि जो एलएनटी है वो साउथ कोरियन कंपनी हानवा डिफेंस के पार्टनरशिप के साथ इंडियन आर्मी के लिए लाइट टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने की योजना बना रही है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि एलएनटी और साउथ कोरिया की हानवा डिफेंस ऑलरेडी अपनी पार्टनरशिप के तहत इंडियन आर्मी के लिए K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स को प्रोड्यूस करने वाले डील पर काम कर चुकी है। और जैसा कि इंडियन आर्मी को हाई अल्टीट्यूड रीजंस पर खास करके डिप्लॉय करने के लिए लाइट टैंक्स की भी तलाश है, तो इसी तलाश के हिस्से के तौर पर एलएनटी हानवा डिफेंस के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए लाइट टैंक्स का कोई नया प्रस्ताव ला सकती है। और जबकि इस कंपनी के प्रवक्ता का ये भी कहना था कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लाइट टैंक्स के लिए केवल RFI को जारी किया है, ना कि टेंडर को, और इसलिए अभी इस स्टेज पर लाइट टैंक्स का जो जॉइंट प्रोडक्शन है वो अभी अनिश्चित है, क्योंकि टेंडर जारी होने के बाद ही एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि ये प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि टेंडर रिलीज होने से ये कंफर्म हो जाएगा कि इस पूरी परियोजना में कोई भी फॉरेन वेंडर किस हद तक इन्वॉल्व हो सकता है। और इसलिए कह सकते हैं कि फिलहाल अभी ये केवल एक योजना है। अब वो योजना आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा टेंडर की रिक्वायरमेंट पर। बाकी जेंस के साथ बात करते हुए हानवा डिफेंस के प्रवक्ता ने भी बताया है कि उनकी कंपनी इंडियन आर्मी के लिए एलएनटी के साथ मिलकर उनके K21-105 लाइट टैंक को संयुक्त रूप से प्रोड्यूस करना चाहती है। और ये प्रोग्राम बिल्कुल K9 वज्रटी वाले प्रोग्राम की तरह ही रहने वाला है। और बाकी हानवा डिफेंस के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि उनकी कंपनी अपने इंडियन पार्टनर के साथ इस बात को भी डिस्कस करेगी कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत किस लेवल तक की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। पर आपको ये भी ध्यान होगा कि जो एलएनटी है वो ऑलरेडी DRDO के साथ मिलकर भी इंडियन आर्मी के लिए एक नई तरह की लाइट टैंक को स्वदेशी तौर पर विकसित करने पर काम कर रही है। भारत के डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ बुधवार को भारत सरकार की तरफ से फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि फॉरेन ड्रोन्स के इंपोर्ट पर जो ये प्रतिबंध है ये पूरी तरीके से लागू नहीं है, बल्कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी इंक्लूड हैं। और इस एक्सेप्शंस में वो सभी ड्रोन्स जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इस तरह के ड्रोन्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन हाँ, इस तरह के ड्रोन्स को भी इंपोर्ट करने के लिए एक जरूरी क्लीयरेंस लेना पड़ेगा। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी बताया गया कि ड्रोन कंपोनेंट्स के जो इंपोर्ट है उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि पिछले 2 महीने में एंटी इंडिया फेक न्यूज फैलाने वाले करीब 60 से भी अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जिनमें कुछ यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी इंक्लूड हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि इसके तहत जो यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए हैं वे सभी पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। इन सबके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है और वो ये है कि कल रात को सर्च ऑपरेशन के दौरान भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि हमारे BSF ट्रूप्स ने कच्छ में हरामी नाला वाले एरिया से 11 पाकिस्तानी फिशिंग बोट्स को सीज किया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक इस मामले पर आई रिपोर्ट के मुताबिक BSF ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि 9 फरवरी की रात को गुजरात में हरामी नाला के जनरल एरिया से पाकिस्तानी फिशिंग बोट्स और फिशरमैन को घुसपैठ करते हुए अटैक किया गया था। और फिर जिसके बाद एक ओवरनाइट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी ऑपरेशन के दौरान 11 पाकिस्तानी फिशिंग बोट सीज की गई है और ये जो ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है। बाकी इसके अलावा आप सभी के लिए एक जानकारी और है और वो ये है कि कल 9 फरवरी को असम राइफल्स ने भी मणिपुर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत मणिपुर में बिष्णुपुर के लीमाराम माकाल इकाई से एक टेरर हाइडआउट को बस्ट किया है और यहाँ से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए हैं, जिनमें पिस्टल, ग्रेनेड, रेडियो सेट, ये सभी शामिल हैं। न्यूली अपॉइंटेड भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत द्वारा रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को भारत के सुरक्षा हित में बताया। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि इस डील को लेकर जो भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने वाला खतरा है, तो इसका असर भारत और रशिया के मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर नहीं पड़ेगा। और जबकि रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के साथ इंटरव्यू के दौरान उनका यह भी कहना था कि फिलहाल अभी तक तो अमेरिका की तरफ से इस डील को लेकर भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है और मेरा अनुमान है कि शायद कोई प्रतिबंध लगे भी ना। और उनका यह भी कहना था कि S-400 की जो डील है वो हम दो देशों के बीच का बिजनेस है, न कि किसी और का, और इसलिए ऐसा कोई कारण भी नहीं है जिसको लेकर यह कहा जाए कि इस मामले पर भविष्य में भारत अपनी पोजीशन में कोई बदलाव लाएगा।
बाकी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और डिलीवरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा रशियन इन्वॉय ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि जो भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद है, तो उस विवाद के बीच रशिया की मध्यस्थता करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। हाँ, अगर दोनों देश चाहते हैं कि रशिया इसमें कोई मध्यस्थता करे तो उस पर रशिया विचार जरूर करेगा, लेकिन खुद से रशिया ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। और उनका यह भी कहना था कि इसके पीछे का सिंपल सा रीजन बस यही है कि भारत और चीन के बीच जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको दोनों पक्ष पूरी तरीके से अपना बायलेटरल मैटर मानते हैं, और जब दोनों पक्ष इस मामले को बायलेटरल मान रहे हैं तो फिर ऐसे में उन दोनों की अनुमति के बिना किसी तीसरे को इसमें मध्यस्थता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए रशिया भी दोनों देशों की इस पोजीशन की रिस्पेक्ट करता है और वह इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी द्वारा मऊ में स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी तरह की पहली हैकाथॉन को कंडक्ट किया गया था, और आज एक ऑनलाइन सेरेमनी के दौरान इंडियन आर्मी चीफ द्वारा इस हैकाथॉन के विनर्स को सम्मानित किया गया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ट्रेंड माइक्रो ने जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक हासिल किए डेटा के माध्यम से एक ऐसे नए हैकिंग टूल को आइडेंटिफाई किया है जिसका इस्तेमाल APT-36 नाम के हैकर ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। और यह हैकर्स का वो ग्रुप है जो मुख्य रूप से इंडियन मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पर्सनल को टारगेट करने की कोशिश करता है। और अब ये ग्रुप जिस नए हैकिंग टूल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक नए तरह का मैलवेयर है जिसका नाम है कैपरा रैट। और इसी मैलवेयर के इस्तेमाल करके ये जो हैकर ग्रुप है, ये एंड्रॉइड डिवाइसेस को हैक कर सकता है। और ये एक ऐसा रिमोट एक्सेस ट्रोजन है जो कि यूजर की लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी कॉल हिस्ट्री समेत उसके कई पर्सनल डिटेल्स को चोरी कर सकता है। यहां तक कि इस मैलवेयर के इस्तेमाल करके ये जो हैकर ग्रुप है, ये यूजर्स के फोन के कैमरा और माइक्रोफोन का भी एक्सेस ले सकता है, जिसकी मदद से उनकी कीमती जानकारी चुराई जा सके। और साइबर सिक्योरिटी फर्म ट्रेंड माइक्रो का कहना है कि उन्होंने APT-36 को इस मैलवेयर के इस्तेमाल करते हुए स्पॉट किया है। हालांकि इस हैकर ग्रुप के द्वारा इस तरह के मैलवेयर का पहले भी इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, और इस नए वाले मैलवेयर को भी टारगेट यूजर के डिवाइस तक पहुंचाने के लिए फिशिंग लिंक का सहारा लेना होता है। और बाकी साइबर सिक्योरिटी फर्म की तरफ से इस मैलवेयर के हमले से कैसे बचा जाए, तो उसके उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड टिप्स भी शेयर किए हैं। और इसमें सबसे स्टैंडर्ड टिप तो यही है जो कि हर चीज के लिए लागू होती है, कि ऐसे किसी भी ईमेल या फिर लिंक्स को क्लिक करने से बचें जो कि किसी अननोन सोर्स से आई हो, और अपने डिवाइस में ऐप्स को केवल ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करें। और जैसे कि कहा गया है कि ये फिशिंग लिंक का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब यह है कि ये मैलवेयर आपके डिवाइस में तभी आ सकता है जब आप हैकर के द्वारा भेजे गए उस लिंक को क्लिक कर दें, और इसी वजह से अननोन सोर्स से आए ईमेल्स या फिर किसी भी अदर लिंक को क्लिक करने से बचें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा को सूचित किया गया है कि भारत के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जिनमें न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी आते हैं, तो वे सभी साइबर अटैक से सिक्योर हैं, और इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिए सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इन हाउस ही विकसित किया गया है। पांचवी न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, तो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो फिर तो आपको थोड़ा सा कष्ट करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो वापस आते हैं हमारे इस न्यूज पर, तो रिपब्लिक वर्ल्ड की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि मंगलवार को श्रीगंगानगर से राजस्थान CID ने एक पाकिस्तानी ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है जो कि इंडियन आर्मी का जवान बनकर घूम रहा था। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का नाम है शक्तिपाल, और कहा जा रहा है कि सीमा पार लगातार पाकिस्तानी ISI एजेंट्स के टच में था। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास से इंडियन आर्मी व्हीकल्स, यूनिट्स और अलग अलग आर्मी व्हीकल्स और सोल्जर्स की फोटोग्राफ्स भी रिकवर हुई हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि महाराष्ट्र DGP की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस पे एंगेज रहने वाले C-60 कमांडोज का अलाउंस डबल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जो C-60 कमांडोज है, वो गढ़चिरौली पुलिस की स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट यूनिट है। और अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2001 में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की दुर्घटना में इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर अमनदीप सिंह गिल राणा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज का ही वो दिन है जब 2018 में जम्मू कश्मीर में स्थित संजीवन मिलिट्री स्टेशन में आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में इंडियन आर्मी के ऑनररी लेफ्टिनेंट मदन लाल चौधरी, सूबेदार मोहम्मद अशरफ मीर, हवलदार हबीब उल्ला कुरैसी, हवलदार राकेश चंद्रा, नायक मंजूर अहमद देवा और लास्ट नायक मोहम्मद इकबाल शेख वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2020 में कोबरा कमांडोज कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल पूर्णानंद भी एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आज का ही वो दिन है जब 2012 में एक और ऐसे ही एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान BSF के भी 4 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है,
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।